छत्तीसगढ़ में कलेक्टर द्वारा युवक को थप्पड़ मारने का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि इसी बीच मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी ऐसे ही एक घटना सामने आई है। कोरोना कर्फ्यू में दुकान खोलने वाले एक युवक को अपना आपा खोते हुए SDM मंजूषा राय ने थप्पड़ मार दिया। दुकानदार को थप्पड़ मारने का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अब देखा जाना है कि इस मामले में सरकार क्या कार्रवाई करती है। शाजापुर में एक युवक जनता कर्फ्यू का उल्लंघन कर दुकान खोलकर सामान बेच रहा था, जिसको एडीएम मंजूषा राय ने निरीक्षण के दौरान देखा तो युवक ने कह दिया यही उसका घर भी है। जब दुकान खोलकर देखा गया तो उसका निवास वहां होना सामने नहीं आया, जिस पर एडीएम तमतमा गई और दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया। एडीएम को गुस्सा होते देख उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मी भी युवक पर डंडा लेकर दौड़ा। बीच सड़क पर एडीएम द्वारा दुकानदार को तमाचा जड़ने का यह मामला उस वक्त तो अधिकारियों द्वारा दबा लिया गया, लेकिन अब 2 दिन बाद यह वीडियो वायरल होकर चर्चाओं में आ गया है। खास बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ में IAS अधिकारी द्वारा युवक का मोबाइल तोड़ने और तमाचा जड़ने के मामले में वहां के मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को हटा दिया था। अब देखना यह है कि शाजापुर में इस मामले को लेकर क्या होता है। तो कह रहे थे घर के अंदर कहाँ है घर इसका? घर बता ना, तेरा घर कहाँ? कला बता रहा, उधर है ना? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।